अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं, जिंदा हूं। जो जो जिंदा लोग हैं, आ जाइए जल्दी से ऑनलाइन, आ जाइए। आज कुछ बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। इलेक्शन भी है गुजरात में। जान बाकी हो मगर सांस रुकी हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो, जैसे जागते जागते उम्र तो कट गई लेकिन कुछ किया नहीं, अपने लिए नहीं किया, खुद के लिए नहीं किया, दूसरों के लिए तो सवाल ही नहीं उठता है। जरो अंदर झांकने का बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ मेरे हेटर्स, कुछ मेरे जानने वाले कुछ ये ना कर दे कि अपने अंदर झांको। मैं भी अपने अंदर बहुत झांकता हूं, मेरी जान, मेरे यारो। मैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और उस कम्युनिटी को अगर मैं सपोर्ट करता हूं तो मैं गलत नहीं हूं। मैं अपने देश को सपोर्ट करता हूं तो मैं गलत नहीं हूं। एक लड़का है हार्दिक पटेल, उसने पूरी मोदी की मिनिस्ट्री को हिला डाला है। मतलब पूरी मिनिस्ट्री को उसने हिला दिया है और मेरे को तो वो अच्छा लगने लगा यार, क्योंकि जो मोदी का वो चोदी का। हार्दिक पटेल अच्छा काम कर रहा है। अब तो बीजेपी पे जूते चप्पल कचरा भी लोग डालने लगे। एक बात बताओ, जो गुजरात का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा यार? जो गुजरात का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा? मोदी ने गुजरात में लोगों को धोखा दिया, लेकिन पाटीदार लोगों को, पटेल लोगों को सलाम करता हूं यार। एजाज खान पटेल लोगों को झुक के सलाम करता है। मालूम है क्यों? एक पटेल ऊपर जा रहा था तो सारे पटेल नीचे खड़े हो गए और उसको आसमान पे पहुंचा दिया। क्या यार, क्या कम्युनिटी! इनसे सीखो। एक 22 साल का अखे इंडिया को हिला डाला, अखे गुजरात को उसने एक कर लिया है। धीरे धीरे गुजरात को यह दिमाग दे दिया है। ओ मेरे भाइयों मुसलमानों, पटेलों से कुछ सीखो मेरे यारों। अब वक्त आ गया है, मोदी अब तुम्हारे इलाके में भी आए तो सीधे जूते और चप्पल ही फेंको। और पटेल लोग, वो पटेल वर्ड है ना साला, एकदम मान गया अभी मैं। बाकी सब तो नाम के पटेल है, वाह तुम लोग असली पटेल हो, बाकी सब नाम के पटेल है। और हां, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जरा। तुमको ऐसा लगता है कि मैंने आवाज उठाया हूं, हर बार खड़ा रहा हूं, तो मेरा चैनल है एजाज खान ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लो। मेरा गाना रिलीज हुआ है, जो कोई भी चैनल लेना नहीं चाहता। मालूम है क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों का लीडर है, इसको किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करेंगे तो ये मुसलमानों के लिए बोलने लगेगा। अरे पिक्चरें नहीं मिल रही है, लोग साथ में बिठाना बंद कर दिए, ये मुसलमानों का लीडर आ गया। मैं लीडर नहीं हूं भाई, और ना मैं मुसलमानों का लीडर बनना चाहता हूं, क्योंकि इनका लीडर कोई बन नहीं सकता। ये हुजूर की नहीं सुने, मोहम्मद की नहीं सुने, ये मेरी क्या घंटा सुनेंगे? देखा पटेल लोग, एक पटेल ऊपर गया तो सारे नीचे पटेल खड़े होकर उसको ऊपर पहुंचा दिया। हार्दिक पटेल 22 साल का लौंडा, रस्ते से उठा के, खाक से उठा के फलक पे पटेल लोगन। अगर पटेल समाज इसका साथ नहीं देता तो हार्दिक पटेल कहां होता? इसलिए हार्दिक को भी मेरी एक विनती है, एक ज्ञान है, मेरे यार तेरे पटेलों को मत भूल जाना, क्योंकि ये पटेलों ने ही तुझे इतना बड़ा पटेल बना दिया हार्दिक। और हां, अगर थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा लिहाज है तो मेरे गानों को ट्रेंडिंग में तो ले आओ। अबे मैं तो तुमसे ही मांगूंगा ना, अल्लाह से तो मांगता हूं मैं, लेकिन जरिया तुम लोग हो। और गुजरात में इलेक्शन है, सोच समझ के वोट देना। किसको देना है ये मैं नहीं बताऊंगा, किसको वोट देना है, क्योंकि मैंने किसी से 50 करोड़ 100 करोड़ लिए नहीं है कभी। नहीं तो मैं भी ले लेता, मेरे को क्या पैसे ऑफर नहीं करते लोग।
भाजप से, यहां से, वहां से, कि भाई हमारे साथ आ जाओ कांग्रेस से। मेरे को नेता नहीं बनना है, मैं अभिनेता हूं, लेकिन मेरा आवाज कभी बंद नहीं होगा। चाहे तुम लोग मुझे सपोर्ट करो ना करो, मेरा वीडियो देखो नहीं देखो, मुझे पिक्चरें मिले ना मिले, अल्लाह मेरे साथ है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है। किसी भी चैनल पे मेरा गाना, इतना अच्छा गाना है, लिया नहीं जा रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर है कि इसके गाने से वायलेंस फैलेगा, कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, ले कोपचे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, फिर कोई तुझसे पंगा ना लेगा, जिससे डरे तू वो तुझसे डरेगा। मच मच क्यों करता है, जितना समझता है, दुनिया नहीं इतनी भोली, जो बोले उसे दे गोली। और हाँ मोदी, जब तक अपुन के दम में है, दम है अपने आगे सब पानी कम, अपुन का लाइफस्टाइल एकदम झकास है, बोल बिड़ू बोल किसको करना खलास है, हर बाजी मारी है, सौ सौ पे भारी है, एक नंबर भाई की टोली, जो बोले उसे दे गोली। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।